नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके जनता तक न्यूज चैनल पर। आज है 26 जुलाई 2024 और दिन है शुक्रवार। तो चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। 6 महीने से नहीं लिया राशन तो दुकान से कट सकता है नाम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 1,11,00,000 परिवारों के 5 करोड़ व्यक्तियों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न फ्री दिया जा रहा है। जो उपभोक्ता लगातार 6 महीने से राशन नहीं ले रहे हैं, अब उनके नाम उचित मूल्य की राशन दुकान के बाहर चस्पा किए जाएंगे। आधार कार्ड से लिंक कराई जाएगी प्रॉपर्टी, भोपाल जिले में प्रक्रिया शुरू। जिले में प्लाट जमीन के खसरे आधार से लिंक कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक ग्रामीण क्षेत्र के 10% किसानों ने खसरे को आधार से लिंक करा लिया है, जबकि शहरी क्षेत्र में लिंकिंग का काम नहीं हो रहा है। जिले की बैरजिया, हुजूर और कोलार तहसील में 3,35,000 से अधिक खसरों को लिंक किया जाना है, जबकि 2,00,000 से अधिक बटान भी दर्ज नहीं किए गए हैं। चंबल में खुलेगी टमाटर की प्रोसेसिंग यूनिट, किसानों को मिलेंगे अच्छे दाम। टमाटर की फसल में मंदी की मार झेल रहे चंबल के किसानों के लिए अच्छी खबर है। उनकी मदद के लिए फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की कवायद जल्द ही शुरू होने वाली है। इसमें उनकी फसल की खपत तो होगी ही, साथ ही फसल के दाम भी अच्छे मिलेंगे। कृषि विभाग आत्मा योजना के तहत किसानों का समूह बनाकर क्लस्टर बना रहे हैं। जयस ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लिखा पत्र, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर मध्य प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग। जय आदिवासी युवा शक्ति, जयस ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ UNO द्वारा घोषित 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर मध्य प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने और इस दिन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रदेश के 89 ब्लॉक को 10-10 लाख की राशि आवंटन करने की मांग की है। रक्षाबंधन से पहले करोड़ों लाडली बहनों को मिलेगा तोहफा, 15वीं किस्त पर नया अपडेट, अगस्त में खाते में आएंगे इतने रुपए। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1.29 करोड़ लाभार्थी बहनों के लिए खुशखबरी है। सावन माह में प्रत्येक लाडली बहन के खाते में आने वाली 1 तारीख को 250 रुपए अंतरित किए जाएंगे। ये राशि प्रतिमाह जारी होने वाली 1250 रुपए की राशि के अतिरिक्त होगी। लाडली बहनों को प्रतिमाह जारी होने वाले 1250 रुपए पूर्वानुसार उनके खाते में जारी किए जाएंगे। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा अब तक योजना की 14 किस्तें जारी की जा चुकी है और अब अगली किस्त रक्षाबंधन से पहले कभी भी जारी हो सकती है। प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों में पहली कक्षा में अधिकतम 8 साल की उम्र तक होगा प्रवेश। प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों की पहली कक्षा में अब अधिकतम 8 साल की उम्र तक के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। शासन ने प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए 4 और पहली कक्षा के लिए 6 महीने की आयु सीमा बढ़ा दी है। इस संबंध में शासन के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रवेश के लिए उम्र संबंधी नियम में संशोधन के आदेश जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए उम्र संबंधी सीमा निर्धारित की गई है। इसके तहत पिछले साल प्रवेश के लिए उम्र संबंधी सीमा का पालन कड़ाई से नहीं हो पा रहा था। इसे देखते हुए करीब 5 महीने पहले 28 फरवरी को स्कूल शिक्षा विभाग ने उम्र संबंधी नियम जारी किए थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की घोषणा, कोयंबटूर में खुलेगा मध्य प्रदेश उद्योग विभाग का कार्यालय, उद्योगपतियों से बोले, आपको एमपी बुला रहा है, आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित कर उन्हें यहां निवेश करने, उद्योग स्थापित करने और मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार के अवसर दिलाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज तमिलनाडु के कोयंबटूर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश पर आयोजित इंटरेक्टिव सेशन का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। उद्योगपतियों से चर्चा करते हुए सीएम ने मध्य प्रदेश में उपलब्ध विश्व स्तरीय संसाधनों और अवसरों की बात करते हुए कहा कि आपको मध्य प्रदेश बुला रहा है, आप सबका स्वागत है। उद्योगपतियों के साथ आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु की 2 संस्थाओं और मध्य प्रदेश के बीच 2 MOU हुए। सीएम ने धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसे कई MOU हमें और आपको साथ करना है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज भारत में व्यापार के रास्ते आगे बढ़े और राज किया, अब हमें आगे बढ़ना है। मध्य प्रदेश में जुन्नार देव बनेगा नया जिला, सरकार ने कलेक्टर से मांगी रिपोर्ट। प्रदेश में जिला और संभाग की सीमाओं में परिवर्तन की कवायद के बीच सरकार फिर एक नया जिला बनाने जा रही है। छिंदवाड़ा जिले का फिर एक हिस्सा अलग करके जुन्नार देव को जिला बनाने के लिए कलेक्टर से प्रस्ताव मांगा गया है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के प्रत्याशी और वर्तमान सांसद विवेक बंटी साहू ने इसकी मांग मुख्यमंत्री मोहन यादव से की थी।
इस पर राजस्व विभाग ने छिंदवाड़ा कलेक्टर से नए जिले के गठन के संबंध में प्रतिवेदन मांगा है। कमलनाथ ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लिखा पत्र, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने 9 अगस्त विश्व आदि दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी, लेकिन शिवराज सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस का अवकाश समाप्त कर दिया था। कमलनाथ ने कहा कि अवकाश समाप्त करने से आदिवासी समाज में रोष व्याप्त है। पत्र में उन्होंने अवकाश घोषित करने के साथ ही हर विकासखंड में आदिवासी दिवस समारोह मनाया जा सके, इसके लिए हर विकासखंड को एक निश्चित राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान करने की मांग भी की। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल जारी, 21 अक्टूबर से एग्जाम शुरू। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। एसएससी मेंस एग्जाम का आयोजन 21 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर 2024 तक किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 6 अगस्त से शुरू होगी। प्रारंभिक परीक्षा में चयनित उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 5 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में 1800 प्राध्यापकों के भरे जाने हैं पद, भर्ती में नियम बने रोड़ा। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और स्वायत्त शासी कॉलेजों में प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया के नए नियम परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। इसमें 5 साल का शैक्षणिक अनुभव का नियम प्राध्यापकों की भर्ती में रोड़ा बनता दिखाई दे रहा है। इस नियम के चलते प्रदेश के 2800 सहायक प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। ये प्राध्यापक आवेदन तक नहीं भर पा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्राध्यापकों के 1800 पद भरे जाने हैं। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू हो चुके हैं। 14 जुलाई से इसका शुभारंभ भी कर दिया गया है। 1 अगस्त से बदल जाएंगे ये 4 नियम, आम आदमी के जेब पर भी पड़ेगा असर। जुलाई का महीना वित्तीय रूप से बेहद ही खास रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट पेश कर दिया है। कई बड़ी घोषणाएं भी हुई हैं। इस महीने कई नियमों में भी संशोधन भी हुए हैं। कुछ दिनों में अगस्त की शुरुआत होगी। अगले महीने भी कई बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आमजन के बजट पर पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड, गूगल मैप, एलपीजी सिलेंडर और यूनिलिटी ट्रांजैक्शन के नियमों में बदलाव हो सकता है। महाकाल की दूसरी सवारी में 350 जवानों का पुलिस बैंड देगा प्रस्तुति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप इस वर्ष भगवान महाकाल की सवारियों में धर्म व संस्कृति का अनूठा समागम देखने को मिल रहा है। 22 जुलाई को निकली पहली सवारी में आदिवासी कलाकारों के दल ने मनोरम प्रस्तुति दी। इसी प्रकार 29 जुलाई को निकलने वाली भगवान महाकाल की दूसरी सवारी में 350 जवानों का पुलिस बैंड प्रस्तुति देगा। 5 अगस्त को निकलने वाली तीसरी सवारी में 1000 डमरू वादक शिवप्रिय वाद्य यंत्र की प्रस्तुति देंगे।